गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है नवरात्रे का पहला दिन। सभी को नवरात्रे की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हम सुबह सुबह है ना, इसलिए अभी कोई रेडी नहीं हुआ है। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। साफ़ सफाई थोड़ा चल रहा है। कुछ बॉक्सेस वगैरह आए हुए थे, उनको रखा हुआ था एक के ऊपर एक करके, वो क्लीन हो रहा है। मैं इधर बना रही हूँ खाना, और आज से लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होगा। तो आलू गोभी बनाने जा रही हूँ बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि हस्बैंड को देना है टिफ़िन के लिए। बाकी हम तीनों लोग का फास्ट है, मेरा, श्वेता का और मम्मी का। उसके लिए तो फिर हम पूरा घर साफ करके नहा धो के उसके बाद ही खाना बनाएंगे। चलिए पहले फटाफट लंच की तैयारी कर लेते हैं। और हम लोग वॉक पे गए थे, वहाँ से वापस आते समय फूल एक दो फ्रूट लाए हैं, अभी मंगवाने हैं, ऑर्डर करने हैं फ्रूट, तो घर पर दे जाते हैं। बस हम बनाना लेकर आ गए कि चढ़ाना हुआ तो उसके लिए चाहिए होगा, तो बनाना लेकर आए हैं, फूल लेकर आए हैं, आम के पत्ते वगैरह, बस ही लेकर आए हैं। अपना सुबह किचन वगैरह संभाल रही थी, टिफ़िन वगैरह बनाना, सिद्धार्थ को ब्रेकफास्ट वगैरह कराना और बाकी घर के सारे काम। और श्वेता ने जिम्मा संभाल लिया कि वो मंदिर अच्छे से क्लीन करके और पूरा मंदिर को सजा देगी। सुबह हम लोग फ्लावर्स वगैरह लेके आए थे, वो भी सब उसने अच्छे से सजा दिए हैं। तो हमारा मंदिर सज चुका है, मंदिर सजाने का काम इसी का होता है। खूब मन से इसको अच्छा भी लगता है और खूब अच्छे से सजाती भी है। अभी हमने पूजा नहीं की, अभी पूजा करेंगे। सब लोग नहा चुके हैं, सिद्धार्थ बस नहाने गया हुआ है। मैं भी बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और मैं दिखाऊंगी आपको अच्छी तरीके से पूरा लुक। आज मैंने आप लोगों के कहने पे ना शेव वेयर पहना है, तो मैं दिखाऊंगी इसका लुक कैसा आ रहा है। मम्मी को साड़ी वगैरह पहननी है, वो भी नहा चुकी हैं, और सिद्धार्थ नहाने गया हुआ है, और हम दोनों एकदम तैयार हो चुके हैं। आरती और जो पूजा का काम है वो सब श्वेता को ही करना था, तो मैं मम्मी के साथ बस इधर बैठ कर के आरती गाना और भजन कीर्तन जो होता है वो सब कर रहे हैं हम लोग। बस पूजा का जो सारा आरती करना और वो सब करना, वो सब श्वेता ने संभाला हुआ था। तो बस ये हमारी आज की सुबह की पूजा हुई, और तीनों का फास्ट था। सिद्धार्थ की क्लास चल रही है एक्चुअली, तो वो बीच में हमने आरती के टाइम उसको बुला लिया कि थोड़ी देर के लिए आ जाओ, तो वो अपना फ़ोन लेके ही आ गया। उसकी कुछ बहुत ही फेवरेट कुछ क्लास चल रही थी, तो यहीं पे बैठ गया, और आरती वगैरह लेने के बाद फिर वो चला गया अपनी क्लास लेने के लिए। पूजा करने के बाद थोड़ी देर हम लोग तो ऐसे ही बैठे रहे, पानी वगैरह पिया, उसके बाद सोचा चाय पी जाए, काफ़ी लेट हो गया था अभी, तो अभी चाय पी रहे हैं हम लोग। और खाना वगैरह जो है वो सारा शाम को ही बनेगा, अभी इस टाइम नहीं बनेगा, तो अभी सिर्फ हम चाय पी लेंगे। और इसके साथ में मखाने मैंने भून लिए थे थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना कि चाय के साथ हल्का सा कुछ पेट में चला जाएगा, उसके बाद शाम के समय से फिर मैं खाना और वो जो पूरा थाली प्रॉपर है वो बनाना स्टार्ट करूँगी। परिवार
हम लोग जब तक किचन में थे मम्मी ने 5 देवी गीत बोले जाते हैं देवी गीत उन्होंने गा दिए, 5 पूरे कर दिए, फिर हमारी चाय आ गई। और पता है जब ऐसे बड़े बूढ़े घर में होते हैं ना तो आपके त्यौहार अपने आप ही स्पेशल बन जाते हैं, क्योंकि वो आपको कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जो हम शायद कभी आलस की वजह से या कभी मूड नहीं कर रहा है उस वजह से नहीं करते हैं, लेकिन वो आपको फोर्स करते हैं या आपको बोलते हैं कि बेटा ये भी कर लो वो भी कर लो, तो जब आप वो करते हो तो लास्ट में आपको अच्छा ही लगता है। आज मैं अकेली होती ना अगर तो मैं पक्का साड़ी नहीं पहनती, कोई सूट ही पहनती, लेकिन मम्मी एक हफ्ते पहले से मुझे बोल रही थी कि साड़ी पहनना है, ये करना है, वो करना है, तो दिमाग में एकदम था कि हाँ साड़ी पहननी ही पहननी है मुझे। और जब साड़ी पहनी तो खुद को भी बहुत अच्छा फील हुआ और एक अलग दिन लगा, थोड़ा हटके दिन लगा आज। सही में मैं कुएं में लटकी हुई थी क्या? लटक गई थी उसके आसपास रही होंगी ना, लटक गई तो मैं उतनी छोटी थी, अगर लटक जाती तो मैं गिर ही जाती ना, बचा थोड़ी ना पाती अपने आप को। वो तो कुआं एकदम बगल में ही था। मुझे भी याद है वो कुआं। अच्छा तुम्हें याद, मैंने कहा मैं छोटी थी तुझे कैसे याद है। तुझे कुआं याद है ना? रमेश, मुझे नानी के घर की बहुत चीज याद है, उसके बाद सर में चोट लग गई उसका, कुछ याद नहीं है उसके बाद का ज्यादा मुझे। मुझे नानी की यहाँ की चीजें बहुत याद रहे हैं। बीच का क्यों भूल गई मैं? बीच का मुझे ज्यादा ज्यादा चीजें याद नहीं है, लग गया होगा थोड़ा दिमाग की सुनती। वही तो मैं मुझसे मम्मी से पूछी थी, मम्मी कुछ चोट वोट लगी थी क्या? नहीं तुमको भाई पता क्या हुआ, सीढ़ियों पे आ रही थी मैं, ऊपर का गेट बंद करके मेरा पैर स्लिप हुआ सीढ़ी पे, धड़ धड़ ये लगा पीछे सीढ़ी पे, फिर मैं उठी, उठ के फिर मैं अंदर गई तो मैं, मेरे को क्या लग रहा है कि मैं बेड पे लेट रही हूँ, और मैं बेड के तरफ गई और फिर जो मेरे चक्कर आया, मैं मुझे लगा मैं बेड पे हूँ, लेकिन मैं फिर जमीन में जाके फिर मेरा सर लगा जमीन में, बेहोश। फिर अपने आप होश आया, फिर पापा ने उठा के मेरे को बेड पे लेटा। तो ये सारे खुशियों के बॉक्सेस यहाँ रखे हैं। बोलते हैं ना अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे, बोलते नहीं हैं खुशियों की डिलीवरी, तो ये हमारी खुशियों की डिलीवरी है। इसमें कुछ बहुत अच्छी चीज़ है जिसके लिए मैं और श्वेता दोनों बहुत एक्साइटेड हैं, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं उसके लिए। तो अपना आउटफिट तो दिखा दे। तो ये ग्रीन कलर का सूट पहना है, तो मम्मी की साड़ी का है, और ये मम्मी की साड़ी का है। आई थिंक मैं दिखा चुकी हूँ, हाँ शायद दिखाया होगा। और अपने ये दिखा जिसमें हम बैठ के झूला झूल सकते हैं। आज इसे इतनी बड़ी बड़ी इयररिंग पहनी है कि यहाँ पे आप बैठ जाओ और इसे झूला झूल लो। नहीं बड़ी मोर पंख के झूल। और अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी साड़ी जो कि मैंने शेववेयर के ऊपर पहनी है, और कैसी लग रही है। मम्मी सबसे ज़्यादा खुश हैं, वो कह रही इतनी अच्छी फिट लग रही है साड़ी शरीर पर ना, एकदम फ्लो जैसे करके आई है। हमारा फैसला एकदम सही निकला, क्योंकि ये शेव वेयर के साथ पहनने में साड़ी पहनने का असली मज़ा जो होता है ना वो आ रहा है। बहुत अच्छे से फिटिंग आई है, इतने कंफर्टेबल तो वो वाले पेटीकोट बिल्कुल भी नहीं होते हैं जो हम रेगुलर ऐसे ही कॉटन वाले पहनते हैं। ये इतना कंफर्टेबल है पता भी नहीं चल रहा है बिल्कुल, और पहनने में चलने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कहीं से टांगे फंस रही हैं या कुछ ऐसा नहीं है। साड़ी की जो शेप आई है ना वो क्या ज़बरदस्त आई है, बहुत अच्छी है ना श्वेता, बहुत अच्छी। इस टाइप की जो शिफॉन या जॉर्जेट की साड़ी होंगी या फिर जो पार्टी वेयर साड़ीज़ होती है ना, ये तो बहुत अच्छा फ्लो करेंगी अगर आप शेव वेयर के साथ इसको पहनते हो। तो सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने आज ये नया नवेला शेव वेयर निकाला कि मैं एक बार पहन के आप लोगों को दिखा दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि शेव वेयर एक बार आप पहन के दिखाना त्यौहार से पहले, तो मुझे लगा मैं दिखा देती हूँ, पहन के खुद भी ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, ताकि त्योहारों से पहले आप परचेज़ कर सको और मेरा जो रिव्यू है वो आपको मिल जाए। तो आज मैंने इसको पहना है और 100 out of 100 मैं इसको दे सकती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद आया। इनके जो लिंक है ना मैं फिर से डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अदरवाइज़ आपको फिर जाना पड़ेगा वो वीडियो देखने के लिए जो हॉल वीडियो है, तो इनके लिंक आपको मिल जाएंगे अभी डिस्क्रिप्शन में। मेरी तरफ से तो ये 100 out of 100 मैं इसको दे रही हूँ, आप एक बार एक बाय कीजिए, आप पहन के देखिएगा, आपको साड़ी पहनने का मज़ा आ जाएगा। मेरी तरफ से ये मस्ट बाय है, आप लोग बाय कर सकते हो। Thank you.
देखो इसने चमकीला नाखून लगाया, मेरे को भी इसने कल नेल पेंट लगाया, मेरा नहीं चमकीला लगाया, अपना चमकीला लगाया, हमेशा ऐसे करती है ये। जल कुकड़ी दीदी। जल कुकड़ी नहीं हूँ मैं, तुमने चमकीला हमेशा लगाती हो, मुझे नहीं लगाती। पता है मुझे क्या लगता है कि आपको ज्यादा चमक दमक पसंद नहीं है, इसी वजह से पसंद नहीं। है इतनी पसंद है, ठीक है अब इतनी लगा दी। मैंने अभी नोटिस किया कि इसने चमकीला नाखून लगाया, मुझे नहीं लगाया चमकीला नाखून, अभी लगाएंगे। हाँ अभी लगा दूंगी। तो शाम हो गई है, अभी टाइम हो गया है 6:45। मैं 5 बजे से सोच रही हूँ कि मैं शुरू करूँ खाना बनाना शुरू करूँ, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ व्रत वाली थाली। और इससे तो आप आज मिले ही नहीं। हाय सिद्धार्थ। हेलो। सिद्धार्थ भी आज ट्रेडिशनल ड्रेस में है और इसको मैंने दिखाया ही नहीं, तिलक विलक लगा के पूजा हुई थी उसके बाद। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि तुम कैमरे के सामने आई नहीं, तुम अपनी चीज़ों में बिजी थे, अपने फ्रेंड से बात करने में, गेम खेलने में, फिर पढ़ने में। ओ माय गॉड सॉरी, आज किसी नहीं लेनी है। आज देखो आज किसी नहीं लेनी, क्योंकि मेरा फास्ट है और इसने अन्न खाया है तो इसको मना किया किसी नहीं लेनी है। तो आज हमारा देखो प्यार कैसे हो रहा है, चिक से चिक ऐसे करके प्यार हो रहा है। ना बच्चे मम्मा के पास आए बिना ना उनका मन ही नहीं भरता, वो 2-2 मिनट पे मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे किस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसको पता है आज फास्ट है मेरा, जब भी कुछ फास्ट होता है तो मैं इसको यही बोल देती हूँ कि बेटा आज किसी नहीं करना है, तो फिर ये चिक से चिक ऐसे टच कर लेता है तो इसका भी मन पूरा हो जाता है। और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, अब मैं स्टार्ट करूँगी, बिकॉज बहुत देर से मैं 5 बजे से कोशिश कर रही हूँ कि अभी स्टार्ट करूँ बट हो नहीं पा रहा है। इसके बाद स्कूल की कर लेना बेटा, ओके? पढ़ाई स्कूल वाली, जो भी होमवर्क हो चेक कर लेना एक बार। कीबोर्ड करोगे? ठीक ठीक। सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हैं, चलो किचन में चलते हैं। मम्मी अपने काम में लगी हैं, कपड़े उपड़े उलट पलट के सुखाने में, ये सुखा रही है, वो झाड़ झाड़ के दे रही है, और मैं यहाँ पे अपने काम में लगने जा रही हूँ। आज मैं बहुत अच्छी सी थाली बनाऊँगी, व्रत वाली थाली, और आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ एक नई रेसिपीज़ हैं और कुछ एक आपको पहले भी मैंने बताई हैं, शेयर की हैं, लेकिन कुछ एक नई रेसिपीज़ हैं आज। तो पहले तो मैंने सोचा था एक या दो चीज़ बनाऊँगी, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि अरे थाली सीरीज़ जब मैं चला रही हूँ तो नवरात्रे की थाली नहीं बनाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता है। व्रत स्पेशल, फलाहार स्पेशल, एक थाली तो होनी ही चाहिए ना चैनल पे। तो आज मैं प्रॉपर थाली बना रही हूँ जिसमें काफ़ी सारे फूड ऑप्शंस रहेंगे नवरात्रे के लिए। तो आपको जो भी पसंद हो खाने के लिए या फिर स्नैक्स आइटम सारे मैं इसमें कर रही हूँ, जो भी आपको पसंद हो वो आप इंक्लूड कर सकते हो इन 9 दिनों में। मेरे पास बहुत डिफरेंट और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं, मैं 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मूंगफली भून लेते हैं, और जब भी आप ज़्यादा खूब सारी मूंगफली भून के रख रहे हो, कुछ लोग 9 दिनों के लिए एक साथ मूंगफली भून लेते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें कि एक मोटे तले वाले बर्तन में लें और एकदम धीमी आँच पर मूँगफली को ढक ढक कर भूनें। ऑब्वियसली बीच बीच में आपको चलाना पड़ेगा, लेकिन ढक के भूनते रहिए। जितना ज़्यादा टाइम तक आप इसको भूनेंगे उतना ज़्यादा खस्ता करारी मूँगफली भुनेंगी, और वो सोंधापन जो है ना वो बहुत अच्छा आएगा। अगर आप कंपेयर करें जो हम तेज आंच पे मूंगफली भूनते हैं और इस तरीके से जो मूंगफली भूनते हैं, तो ये मूंगफली ज़्यादा स्वादिष्ट बनती हैं और बहुत अच्छी तरीके से इवनली भून जाती हैं। तो मूंगफली तो मैं ढक ढक के एक तरफ भून रही हूँ, दूसरी तरफ ये साबूदाना है जो मैंने दोपहर में ही भिगो करके रख दिया था, तो इसको आराम से 4.5 घंटे से ऊपर हो चुका है भीगते भीगते। इसमें पानी का एक दाना भी नहीं है, आप देख सकते हो पानी का दाना नहीं होता, ड्रॉप होती है, तो पानी की एक ड्रॉप भी नहीं है इसके अंदर। अच्छे से फूल चुके हैं, एकदम बड़े बड़े से साबूदाना हो गए, तो ये अब काम आएंगे आगे। इससे मैं खिचड़ी भी बनाने वाली हूँ और एक और चीज़ बनाने वाली हूँ, आगे दिखाऊँगी। यहाँ पर मूँगफली देखिए अच्छे से भून करके तैयार हो गई है, तो इनको हटा लेते हैं हम। अभी हम सेम पैन में थोड़ा सा घी लेंगे, और यहाँ पे मैं साबूदाना की खिचड़ी बनाने जा रही हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है मैं किस तरीके से बनाती हूँ। थोड़ा सा अलग तरीके से ना मैं मूंगफली पीस के बनाती हूँ, ज़्यादातर लोग खड़ी मूंगफली या कुछ टुकड़े छोटे छोटे करके मूंगफली के डाल देते हैं, लेकिन पीस के बनाने से ना एक अलग टेस्ट आता है, वैसे एक अलग टेस्ट आता है। दोनों तरीके अच्छे हैं, दोनों स्वादिष्ट बनते हैं, बट दोनों का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो ही जाता है। तो जीरा और हरी मिर्च का तड़का लगाया, फिर मैंने साबूदाना डाल दिया। इसमें मैंने अभी नमक ऐड नहीं किया है, बस इसको ढक ढक के थोड़ा सा मैं पका लूँगी, उसके बाद फिर इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। और जैसे ये थोड़ा सा कुक हो जाएगा 2 से 3 मिनट बाद, हम इसके अंदर ये पिसी हुई मूँगफली डाल देंगे। और ये थोड़ी सी नहीं डालनी है आपको,
अच्छी खांसी डालनी है। लगभग एक बड़ा कप से ज़्यादा करके मैंने मूंगफली पीसा था और उसको मैंने इसमें ऐड किया है कि ये इस तरीके का कुछ दिखने लगे। तो जिनको मूंगफली का फ्लेवर ज़्यादा पसंद आता है उनको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। आपको कम अगर भाता है मूंगफली का फ्लेवर तो आप कम भी डाल सकते हो। बाकी हरा धनिया डाल दिया और ये हमारी साबूदाना की खिचड़ी तैयार हो गई और हमारी थाली की एक रेसिपी तैयार हो गई है। सेकेंड रेसिपी जो एकदम न्यू है और बहुत टेस्टी बनी थी, ये मेरी मम्मी को तो इतना पसंद आया ना कि उन्होंने बार बार अगले दिन भी खाया है। ये है मखाना पनीर और आलू की सब्ज़ी। तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले मखाना भूनेंगे। आपने देखा होगा, गौर किया होगा, कढ़ाई में अच्छा खासा मैंने घी डाला था, लगभग एक बड़ा चम्मच। थोड़ा सा ज़्यादा घी डालिए और उसमें मीडियम लो फ्लेम पर आपको इसे भूनना है। धीमी धीमी आँच पे अच्छे करारे करारे होने तक भूनना है इसको और उसके बाद हम इसको हटा लेंगे। इसकी जो ग्रेवी होगी, बेस ग्रेवी बनाने के लिए हमें टमाटर चाहिए। ओबियसली हम आज टमाटर ही यूज़ करने वाले हैं, तो 3 से 4 टमाटर, डिपेंड करता है आप कितने लोगों के लिए खाना बना रहे हैं, तो वो आप अंदाजे से डाल सकते हो। 3, 4, 5 टमाटर आप ऐड कर दीजिए, 2 से 3 हरी मिर्ची आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि जो व्रत का खाना होता है वो थोड़ा सा तीखा चटपटा ना हो तो फिर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पूरा दिन फास्ट रहता है। उसके बाद जब आप फास्ट ब्रेक करते हो तो थोड़ा सा तीखा चटपटा खाना अच्छा लगता है। तो इसीलिए 2 से 3 मिर्ची, टमाटर और अदरक, ये 3 चीज़ें हम डालेंगे मिक्सी में और उसका एक बढ़िया सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी लिया है, इसमें मैंने जीरे का तड़का लगाया है और जो हमने टमाटर का पेस्ट बना के अभी रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे और इसको भून लेंगे हम, ढक ढक के पका लेंगे जब तक कि ये टमाटर अच्छी तरीके से ऑयल को रिलीज़ नहीं कर देते। और यहाँ पे ना थोड़ी सी हरी मिर्ची मैं ऊपर से कतर के डाल रही हूँ, ऐसा देखने में बहुत अच्छी लगती है जब हरी हरी मिर्ची ऐसे दिखती है। पीस के तो आप डाल ही दो लेकिन इस तरीके से कट करके डालो ना तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अभी यहाँ पे देखिए ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगा है, तो अभी हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, सॉल्ट ऐड कर देंगे अपने हिसाब से और उसके बाद इसको ढक करके इसमें बढ़िया सा एक उबाल लाने तक इसको पका लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑयल सारा ऊपर आ गया, तो मतलब ये जो ग्रेवी है ये पक चुकी है। आपको बहुत पतली ग्रेवी लग रही होगी यहाँ पे, लेकिन पतली नहीं है, इसको हम आगे जो करने वाले हैं उससे ये थिक हो जाएगी। और वैसे भी फास्ट वाले दिन ना थोड़ी सी पतली सब्ज़ी खाने में अच्छी लगती है। तो मैंने मखाने सबसे पहले इसके अंदर डाले हैं, उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 आलू, उबले हुए आलू, और 200 ग्राम पनीर है ये, इसको क्यूब्स में कट किया है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो जो आलू है ना उनको, कुछ को तो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में किया है और कुछ को एकदम मैश कर दिया है, तो जो मैश आलू है उससे ये ग्रेवी काफ़ी अच्छी खासी थिक हो जाएगी। इस सब्ज़ी को आप 2 तरीके से बना सकते हो, आप मखाने और आलू के साथ बना सकते हो या फिर आप मखाने और पनीर के साथ बना सकते हो, तो ये डिपेंड करता है आपको कैसे खाना है। और बस इसको अच्छा सा आप बॉईल लगा लीजिए। बॉईल लगाने के बाद भी इसको ना 1 घंटे अगर आप रख दोगे ना तो फिर मखाने बहुत अच्छे एकदम क्रीमी जैसे मखाने हो जाते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया और ये हमारी मखाना पनीर आलू की सब्ज़ी बन के तैयार है। अगली रेसिपी है पकौड़ों की, जिनको मैं थाली में इंक्लूड कर रही हूँ, लेकिन आप इसे एज अ स्नैक्स भी खा सकते हो फास्ट में। तो यहाँ पे आलू, कच्चे आलू को मैंने स्लाइस में कट किया है और 2 मैंने यहाँ पे कच्चे केले लिए हैं, उनको भी मैंने इस तरीके से थोड़ा मोटा करके स्लाइस में कट किया है। आलू जो हैं वो थोड़ा सा पतले हैं लेकिन जो केले हैं वो थोड़ा सा मोटे हैं। अभी इनके पकौड़े बनाएंगे, जिसके लिए आप सिंघाड़े का आटा ले सकते हो, कुट्टू का आटा ले सकते हो, या चावल का जो पिसा हुआ आता है, जो सांवा के चावल होते हैं उसका आटा भी आप यहाँ पे ले सकते हो या घर में पीस सकते हो, जैसा भी आप चाहो। चावल का डालने से थोड़ा सा कुरकुरापन इसमें ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं फ़िलहाल सिंघाड़े का आटा ले रही हूँ, जिसके अंदर मैंने सेंधा नमक मिलाया है। थोड़ा सा आप हरा धनिया मिला दीजिए, थोड़ी सी हरी मिर्ची महीन महीन कट करके इसके अंदर डाल दीजिए और फिर हम पानी डाल करके इसका घोल बना लेंगे, जैसे हम बेसन का बनाते हैं थोड़ा सा थिक थिक, वैसा घोल बनेगा और उसके बाद फिर हम इससे पकौड़े तलेंगे। कढ़ाई में आप घी ले लीजिए या फिर पीनट ऑयल भी खाया जाता है तो वो भी आप ले सकते हो।
और बस जैसे हम लोग नॉर्मली पकौड़े बनाते हैं ठीक उसी तरीके से आपको बनाने हैं पकौड़े। इसमें एक चीज़ है कि या तो आप बहुत गहरे ऑयल में तलो, जैसे कि मैंने थोड़ा सा यहाँ पे तेल लिया था, इतना थोड़ा भी नहीं है लेकिन थोड़ा कम है तेल, पूरा भर के कढ़ाई नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है ना, ये जो आटा है ना थोड़ा सा तली पे चिपकने लगता है। तो अगर बिना किसी परेशानी के बनाना है, देखिए जैसे चिपक रहा है तो उसको छुटाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, अगर बिना किसी परेशानी के बनाना है तो या तो ढेर सारा घी लीजिए या फिर ढेर सारा आप ऑयल ले सकते हो कढ़ाई में, और उसके बाद इनको तल के निकाल लीजिए। तो ये आलू के पकौड़े हमारे बनके तैयार हो गए हैं, इनको हम हटा लेंगे और ठीक इसी तरीके से हम जो कच्चे केले हैं उनके पकौड़े भी बना के रेडी कर लेंगे। तो ये हमारी तीसरी डिश पकौड़े, ये भी बनके दोनों तरह के तैयार हो गए। चौथी चीज़ पे जाते हैं जो कि एक स्वीट डिश है। तो मीठा कुछ ना बने ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो जो साबूदाना मैंने भिगो के रखा था उसी की मैं खीर बना रही हूँ। बहुत सिंपल है और बहुत अच्छी बनती है। साबूदाना की खीर मैंने कभी अपने चैनल पे नहीं शेयर किया, तो फर्स्ट टाइम है। तो यहाँ पे एक कटोरी आपने भीगा हुआ साबूदाना देखा, इसके लिए मैंने आधा किलो मिल्क लिया है, और जब दूध उबल गया तो उसके अंदर मैंने ये साबूदाना ऐड कर दिए। अब इसके साथ इसको उबालना है बस, और कुछ नहीं करना है। चाहो तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो इसके अंदर, अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं साबूदाना कुक होने में। वैसे तो अगर साबूदाना को अच्छे से भिगो के रख दो ना 5 से 6 घंटे के लिए या ओवरनाइट, तो बहुत जल्दी पक जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता है खीर में। यहाँ पे साबूदाना जब 80% डन हो गया था, ट्रांसपेरेंट होने लगा था, तब मैंने उसके अंदर 3 इलायची कूट करके डाला है, और ड्राई फ्रूट्स जो भी आपका मन हो, मैंने यहाँ पे काजू और बादाम लिए थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अभी हम थोड़ा और पकाएंगे, जब तक साबूदाना एकदम ट्रांसपेरेंट जैसा नहीं होने लगता तब तक हम इसको पकाएंगे, और उसके बाद हम इसको गैस बंद कर देंगे और ढक देंगे। चीनी अभी नहीं डालना है। गरम गरम में जब भी आप कोई भी मीठा चीज़ बनाते हैं, तुरंत गरम गरम में अगर आप चलती गैस पे चीनी डाल दोगे ना तो दूध फटने के चांस होते हैं। तो इसमें कोई भी कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। गैस बंद कर दीजिए, 1-2 मिनट के लिए कोई भी मीठी चीज़ को छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप चीनी डालिए। चीनी आसानी से मेल्ट हो जाएगी क्योंकि काफ़ी गर्म रहता है उस समय तक भी खीर या जो भी आप बना रहे हो। मैंने भी इसमें थोड़ी देर बाद चीनी डाली, अच्छे से मिक्स कर दिया, और ये हमारी साबूदाना की खीर बनके तैयार हो गई है। चलिए चलते हैं अब अगली रेसिपी पे, जो है सिंघाड़े की आटे की पूड़ियाँ। इसके लिए यहाँ पे सिंघाड़े का आटा लिया है, इसमें 2 मैंने आलू डाल दिए हैं, इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया और जो सेंधा नमक है वो ऐड करेंगे। इसमें भी आप चाहो तो हरी मिर्ची कट करके डाल सकते हो। सिद को ये काफ़ी पसंद है तो इस वजह से मैं वो स्किप कर रही हूँ, हरी मिर्ची इसमें नहीं डाल रही हूँ। और बस अच्छे से इसको आप गूँथ लीजिए। इसमें ध्यान रखने की बात ये होती है कि पहले आप आलू डालिए और अच्छे से गूँथिए, तुरंत पानी ऐड मत कीजिए, क्योंकि ये जो आटा है ना ये आलू के साथ मिलने के बाद, नमक डालने के बाद गीला होने लगता है। तो इसको सख्त करके ही आपको गूँथना है, एकदम से पानी डाल करके मत गूँथ लेना, अदरवाइज़ फिर ये ख़राब हो जाएंगे। ये वाली जो पूड़ियाँ होती है ना, इनको मैं हाथ से ही बनाती हूँ। मैं चकला बेलन पे तो ये बनेंगी नहीं, पन्नी पे भी इनको बनाया जा सकता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हाथ से ही बना के डालूँ, वैसे ही मुझसे ही अच्छी बनती हैं। और बस ये पूड़ियाँ आप तल के निकाल लीजिए, पूड़ी भी बन गई, सब्ज़ी भी बन गई, खिचड़ी भी बन गई, मीठी चीज़ भी बन गई, तो लगभग पीस जाएगी। उसके बाद हम इसके अंदर कर्ड ऐड करेंगे, दही जो कि हमने कल ही एकदम साफ़ सुथरा जमा के रख लिया था, और बहुत अच्छा दही जम के तैयार हुआ है। देखिए यहाँ पर एकदम थिक कर्ड ये जम के तैयार हुआ है। ये दही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, लगभग आप 3/4 कप तक इसके अंदर दही डाल दीजिए, और फिर एक बार हम इसको और मिक्सी में हल्का सा चला देंगे 2-3 सेकंड के लिए, तो अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। और ये दही वाली चटनी बहुत अच्छी लगती है, आप इसको पूड़ी के साथ भी खा सकते हो, जो हमने सिंघाड़े के आटे की पूड़ी बनाई है, या फिर आप जो पकौड़े बनाए उनके साथ तो इसको इंजॉय कर ही सकते हो। सारी चीज़ें बन करके तैयार हो गई हैं, तो चलिए अब हम थाली लगा देते हैं। तो
कैसी लगी आपको ये भोग की थाली, मुझे बताइएगा ज़रूर। और इनमें से कोई अगर ऐसी चीज़ है जो आप नहीं बनाते हैं उस तरीके से, तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। और ये थाली बनाने का मेरा पर्पज़ बस यही था कि आप लोगों को मैं काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ दिखा सकूँ, फिर आप उनमें से पिक कर सकते हैं जो भी आपको बनाना हो। वैसे भी हम व्रत में हर दिन थाली नहीं बनाते हैं ना, कुछ कुछ चीज़ें हम हर दिन के लिए रखते हैं कि इस दिन ये बनाएंगे, इस दिन ये बनाएंगे, तो आप इनमें से कुछ भी पिक कर सकते हो। शाम की पूजा से पहले मम्मी ने बोला, अरे महावर तो तुमने लगाया ही नहीं, तो फिर मैंने शाम को बैठ के पूजा से पहले महावर भी लगा लिया और फिर हमारी शाम की पूजा हुई है, आरती। और होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, ये थाली पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल बिल्कुल मत जाइएगा। एक लाइक से मेरी मेहनत को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और एप्रिशिएशन भी मुझे बहुत मिलेगा, ताकि और भी मैं अच्छी अच्छी थाली की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ और फर्दर ऐसे भी रेसिपी शेयर करूँ। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।